जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए लीगल स्टडीज का हमारा बैच नंबर वन का हमारा जो लेक्चर वन है उसमें हम बात करने जा रहे हैं कुछ आपके सामने दिए हुए टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि हमने आपको अपनी यूट्यूब की वाली वीडियो में बता रखा है पहले से ही कि हमने हमारे ऑफिशियल सिलेबस को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया है ताकि हम इजिली एक एक टॉपिक पे एकदम कॉम्प्रिहेंशन के साथ में उसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में आपको सारा कंटेंट दे सके। तो पहले हम देख लेते हैं कि आने वाले इस वीडियो में हम क्या चीजों को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। जैसा कि हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कहां है, टॉप लेवल पे है। उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के आगे क्या आता है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते हैं बहुत सारे उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, जिसकी गठन कौन करता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में यही जैसे हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये सामने दिए हुए 5 पॉइंट्स आज के वीडियो के टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, जिसमें कि आपने देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, ठीक है। तो ये हमारा रहने वाला होगा पहला चीज। नेक्स्ट हम देखेंगे लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। लीगल ऑफिसेज में हमको क्या देखने को मिलता है, लीगल ऑफिसेज में हमें देखने को मिलता है हमारे अटॉर्नी जनरल के बारे में, हमारे एडवोकेट जनरल के बारे में। मान लो अगर सेंटर के ऊपर कोई एक पर्सन है जो कि केस कर देता है कि सेंटर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जाकर के, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर के केस को डिफेंड करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इन चीजों के लिए सेंटर के लिए, स्टेट के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है। और उनका काम क्या होता है, बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो जाकर के हमारे स्टेट को, हमारे सेंटर को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का काम ये भी होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, कोई पॉलिसी रेगुलेट कर रही है, कुछ भी बना रही है, तो उसमें वो उसको लीगली असिस्ट करें, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, लॉयर्स को अपने ऊपर हायर करती हैं कि भाई आप हमको बताओ कि जो भी चीज हम करने जा रहे हैं वो लीगली ठीक है कि नहीं। आज की डेट में तो हम हो चाहे आप हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी कंपनी हो, सबके लिए लॉ तो एक जैसा है ना। जो भी लॉ हम अपना ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं वो सबके लिए बराबर होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे बंदों को, ऐसे पर्सन को, ऐसे एडवोकेट्स को अपने ऊपर हायर करके रखती हैं जो कि उन्हें बता सके कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं वो लीगली बाइंडिंग है कि नहीं, ठीक। इसी तरीके से हमारे देश के लिए भी दो लीगली ऑफिसेज जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो हमारा एडवोकेट जनरल का ऑफिस, जो कि हमें क्या करते हैं, स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। उसके ऊपर क्या आते हैं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, हमारे सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लीगल ऑफिसेज में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो पहले हम लोग देखेंगे आज की डेट में स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, दूसरा हम लोग देखेंगे लीगल ऑफिसेज इन इंडिया, तीसरा हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रोल्स एंड इंपार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ हमारे देश में जुडिशरी का, ठीक है, स्टार्टिंग कैसे हुई, बिगनिंग कैसे हुई। ये संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है बनाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे जुडिशरी हमारे इंडिया में आई, स्टार्टअप कैसे हुआ जुडिशरी का, कैसे हम लोगों को जस्टिस मिलने लगा, कैसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स के जमाने में कहा जाता था वो बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नाम भी चेंज हो गया। आप लोगों को ये जाकर के पता करना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था, तो ये तो था पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम कब बदला था, ये आपको एक होमवर्क है मेरी तरफ से। और दूसरा होमवर्क ये है कि जो फेडरल बैंक है उसको कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को भी देखते चलिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट, लीगल ऑफिसेज इन इंडिया, तीसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशरी, किस तरीके से जो जुडिशरी है उसका इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कैसे वो बनना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट रोल क्या है जुडिशरी का, जैसे आप जैसे समझो मेरी बात को कि जो इंडिया में तीन गवर्नमेंट के थ्री पिलर्स होते हैं, पहला होता है क्या लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, तीसरा हमारा क्या होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि वो उन बने हुए लॉज को इंप्लीमेंट करें, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या होता है, वो इस बात को चेक करें कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं या जो भी लॉज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से किए जा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई हमारी रोल्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी में। फिर हमारा क्या आ जाता है, इम्पार्शियलिटी। जो जुडिशरी है ना वो सबके लिए बराबर है, जुडिशरी हो चाहे लेजिस्लेटिव हो चाहे गवर्नमेंट का कोई भी पार्टी हो, सबके लिए बराबर हो, ठीक है। मैं जो हूं मेरे लिए भी लॉ इक्वल है, आपके लिए भी लॉ इक्वल है, आपके पेरेंट्स के लिए भी लॉ इक्वल है, कंपनीज के लिए लॉ इक्वल है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो भी लॉ इंप्लीमेंट होता है वो ए टू जेड सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसी को बोलते हैं इम्पार्शियलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं और क्या पढ़ेंगे आज की वाली इसमें, हम अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस।
आप अभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ी दिनों बाद आप क्या होगे, लॉ एंट्रेंस लॉ के कॉलेजेस में होगे, जहां पे आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ में अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे होगे। उसके बाद क्या होगा, आप ग्रेजुएट होकर के निकलोगे, कुछ लोग कंपनी के साथ में जुड़ जाएंगे, कुछ लोग अपनी जुडिशियल प्रैक्टिसेस में लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जुडिशरी की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि जज बनेंगे। तो आप कैसे बनोगे जज, कैसे होगी आपकी अपॉइंटमेंट, कैसे होगी आपकी ट्रेनिंग और कैसे होगी आपकी रिटायरमेंट, इन चीजों के बाद भी आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है, कैसे हम इस चीज को देखेंगे कि अगर कोई जज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स पे काम नहीं करता है, वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाकर के काम करता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है कि किसी एक जज को कोर्ट से या फिर उसके टेन्योर से पहले, खत्म होने से पहले उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए किसी भी जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट से। ठीक है, तो आपके कोर्ट से। तो ये चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में देखेंगे कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यूज। आपने जैसे आपको मैंने अपनी एग्जांपल वाली वीडियो बताई थी ना, जिसमें कि मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप इलीगली ऑक्यूपाई करके रखे होगे, तो हम कहां जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल कोर्ट में जाएंगे, जहां हम इस चीज को बोलेंगे कि देखो भैया, जो सामने वाला बंदा है, इसने मेरी प्रॉपर्टी को इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है। तो कोर्ट बोलेगा आप हमें साक्ष्य दीजिए। जब हम उसके सामने साक्ष्य दिए, सामने वाला जो बंदा है, मान लो उसके पास में कोई और अच्छा वकील है, उसने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, जो सामने वाला बंदा है वो झूठ बोल रहा है, हमारी प्रॉपर्टी है। और जो जज आप थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल कोर्ट के, उन्होंने क्या कह दिया कि नहीं गोकुल, आपकी तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके पास ज्यादा साक्ष्य है। तो ऐसा संभव है? तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर ठीक है, आपने डिसीजन दे दिया, पर मैं इसको और आगे अपील करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम वहां पे अपील करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। एक बार कोई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देता है, तो जुडिशियली हम उसका रिव्यू करा सकते हैं, उसको आगे ले जा करके हम उसकी और ज्यादा अपील कर सकते हैं। और ये अपील कहां तक जाएगी, सिविल कोर्ट से ही जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में से जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से आगे कहाँ जाएगी, कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, उससे आगे कहीं नहीं। अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे भैया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है भाई। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के जितने भी केस है पर्सन टू पर्सन वाले, वो सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने कोई याचिका दायर की है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे कोई क्रिमिनल केस से रिलेटेड, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें कि आप अगर फाइल करते हो तो फिर से आपके डिसीजन को रिव्यू तो किया जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट से आगे आपका वो मुद्दा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सारा था एक पूरा ओवरव्यू जो कि हम अपने आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट वन में। ठीक है, ये कौन सा पार्ट रहने वाला है आपका, पार्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या होता है। बेसिकली इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इलाबोरेटली, थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा फैक्चुअली हम इस चीज को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री लेवल्स। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो थ्री लेवल्स में डिसाइडेड है। इससे पहले कि हम लोग इसको देखें, मैं आप लोगों के सामने इनर बोर्ड पे इसको समझाने का ट्राई करता हूं कि कैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो थ्री लेवल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है सबसे पहले, सबसे पहले हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, और ये सबसे टॉप कोर्ट होता है। मतलब इससे ऊपर इंडिया में कोई भी कोर्ट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारा, इंडिया का टॉप मोस्ट कोर्ट होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है हाई कोर्ट। क्या आता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की टोटल नंबर्स कितनी होती हैं, 25। आज की डेट में इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट कितना है, सुप्रीम कोर्ट ओनली वन है, जो कि कहां पे है, दिल्ली में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया में बस एक ही, और ये कहां पे है, दिल्ली में है। ठीक है, और इसको हम लोग टॉप कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है ना वो होता है। फिर सब सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट आता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट टोटल्स कितने हैं, 25। ईच स्टेट में एक होते हैं, या फिर दो स्टेट्स के अपने एक हाई कोर्ट्स होते हैं। और देखो जितने भी हाई कोर्ट्स है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि जो भी डिसीजंस हाई कोर्ट लेते हैं उनको चेंज करने की पावर किनके पास होती है, वो होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स के नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट्स के नीचे हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सपोज करो कोई पर्सन है जो कि मिर्जापुर में रहता है, तो मिर्जापुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। इलाहाबाद में रहता है, इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। बलिया, मऊ, कहीं का भी हो, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वहां पे एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जिस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं।
अब आप लोग हमसे ये मत पूछ लीजिएगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने होते हैं, ये मुझे नहीं पता, आप लोग जा करके सर्च करिए, ठीक है। और ऐसे ये क्वेश्चंस आपके क्लैट में पूछते भी नहीं है, या फिर आपके सीयूटी यूजी के एग्जाम में पूछते भी नहीं कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। ये पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ हाई कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट कौन से राज्यों में, दो हाई कोर्ट, जैसे कि आप देखिए हरियाणा का और पंजाब का एक ही जगह पे है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उस जगह पे है। तो ऐसे करके आप लोगों के पास में कुछ बेसिक नॉलेज हो जाए, इसके लिए मुझे आपको ये बताना था, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि सबसे टॉप मोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर, नीचे नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर क्या होते हैं हमारे, बहुत सारे डिपार्टमेंटल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। उसके बाद में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूटर्स, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, इसको ADR कहते हैं। ये किसके अंडर में होता है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में हमारा क्या होता है, हमारा ट्रिब्यूनल होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूटर होता है, और साथ ही साथ और क्या होते हैं हमारे इसके अंडर में, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, और क्या क्या होता है भैया इसके अंडर में होता है हमारा सिविल कोर्ट, क्या होता है हमारा, सॉरी, सिविल कोर्ट, तो ठीक है। और ये जितनी जैसे जैसे ये हायरची नीचे चली आती है, वैसे वैसे सारे कोर्ट्स एक दूसरे के सबॉर्डिनेट हो जाते हैं। अगर हाई कोर्ट के लिए कोई फैसला बनाना है तो कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई फैसला बनाए तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब उसको बनेंगे, तो ये हायरची की तरह चलाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो ये आपको पता चल गया कि देखो डिवाइडेड इनटू थ्री लेवल्स ऑफ कोर्ट, जो आपका कोर्ट होता है वो बेसिकली थ्री लेवल्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हमारा हाई कोर्ट, तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज एट टॉप इन दिल्ली ऑन 28th of January 1950। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, वो कहाँ एस्टैब्लिश्ड है, वो है हमारा दिल्ली में एस्टैब्लिश्ड है। और ये कब स्टार्ट बोल रहा मैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप मोस्ट कोर्ट है और ये दिल्ली में सिचुएटेड है। और ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, 28th of January 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 28th of January को 1950 को सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग थोड़े कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, थोड़े फैक्चुअल नॉलेज दो कि आपके सीयूडी यूजी में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, आपसे ये पूछ सकता है आपके सीयूडी के एग्जाम में कि रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड करता है, तो ये आप नोट कर लो, रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, एंड असिस्टेड बाई 7 रजिस्ट्रार्स एंड 21 एडिशनल रजिस्ट्रार्स, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है इसको कौन हेड करता है, इसको हेड करते हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल। और इसको असिस्ट कौन करता है, उनकी हेल्प कौन करता है। अब भाई एक बात बताओ, सपोज करो एक स्कूल चल रहा है, उस स्कूल को हेड कौन करता है, मान लो प्रिंसिपल हेड करता है। अब अकेले प्रिंसिपल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है क्या, या बिना किसी स्टाफ की मदद से वो कुछ काम कर सकता है, नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे स्टाफ लगेंगे। तो यही कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती है उसको कौन हेड करता है, उसको करते हैं सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं, और उनकी असिस्ट कौन करता है, उनको असिस्ट करते हैं 7 रजिस्ट्रार्स एंड 21 एडिशनल रजिस्ट्रार्स, ठीक है, 7 रजिस्ट्रार्स एंड 21 एडिशनल रजिस्ट्रार्स उनको असिस्ट करते हैं। आर्टिकल 146 में मेंशनड है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एट द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 146 क्या करता है, वो हमें ये बताता है, आर्टिकल 146 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थ्री कैटेगरीज ऑफ एडवोकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन सीयूटी यूजी के एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा अवेयर होकर के चलना पड़ेगा, एकदम फोकस कहीं मत हटाइए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है हम लोगों की इस पूरी वीडियो में, ठीक है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में अगर तुमको कोई केस फाइल करनी है तो बेसिकली तुम कैसे करोगे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के थ्रू करोगे ना, जो वहां के एडवोकेट्स वहां पे हियरिंग करते होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जो लोग कचहरी बोलते हैं वहां पे हमको अगर कोई केस फाइल करना
पड़ता है, तो वहां पे जो लॉयर्स होते हैं उनके पास जाकर के हम बेसिकली अपने केस के बारे में बताते हैं और केस हमारा फाइल हो जाता है। पर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है, तो उसके भी तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना कि कौन केस फाइल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन हियरिंग कर सकता है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज ऑफ एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 कैटेगरीज के एडवोकेट्स होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं हमारे सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स जो होते हैं वो सबसे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इनका इनको असिस्ट अपॉइंट कौन करता है? तो दे आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, वो ही ये एस्टैब्लिश करता है, वो ही ये बताता है कि कौन सा एडवोकेट हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट होने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको कौन डिजाइग्नेट करता है? उन्हें डिजाइग्नेट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बच्चों, आपसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि सीनियर एडवोकेट्स को कौन डिजाइग्नेट करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। तो ये थे हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स। नेक्स्ट है हमारा एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओनली दीज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट जी क्या बोलते हैं कि सिर्फ वो एडवोकेट्स जो कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, कौन से एडवोकेट्स? वो एडवोकेट्स जो कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, ओनली दीज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ओनली दीज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अगर तुमको कोई केस फाइल करनी है, अगर तुमको कोई मैटर की हियरिंग कराने के लिए उसमें इनरोल करना है, तुम कहां से कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के थ्रू, ठीक है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं, ओनली दे कैन फाइल योर केस कहां पे? आपके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो हम लोगों ने पहली कैटेगरी क्या पढ़ ली? सीनियर एडवोकेट। दूसरी कैटेगरी क्या पढ़ ली? एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। तीसरी कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं अदर एडवोकेट्स के बारे में। तीसरी कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं अदर एडवोकेट्स के बारे में। अब देखो भैया, अदर एडवोकेट्स क्या होते हैं? दे कैन आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी बट कैन नॉट फाइल एनी डॉक्यूमेंट इन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, भैया लोग, जो अदर कैटेगरी वाले जो लॉयर हो, जो अदर कैटेगरी वाले एडवोकेट्स हो, तुम लोग हियरिंग तो कर सकते हो हमारे सामने आकर के। लॉयर आपस में बहस कर सकते हो, बहस इन द सेंस हियरिंग कर सकते हो, आप लोग आकर के हमारे साथ में आर्ग्यू तो कर सकते हो, पर तुम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी फाइल या कोई भी केस हमसे डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते। अगर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने कोई केस फाइल कर दिया है और तुम उनके बिहाफ पे आकर के हमारे सामने जो है क्या कर सकते हो, हियरिंग करना चाहते हो, तो यू आर फ्री टू डू सो, तुम बिल्कुल वेलकम हो, आकर के करो, तो ठीक है। 3 कैटेगरीज आई होप आपको समझ में आ गई। पहला है आपका सीनियर एडवोकेट, जो कि क्या करते हैं? डिजाइग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं दूसरे, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। इनका काम क्या होता है? एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का काम होता है Only they are entitled to file any document or case before Supreme Court. यानी ये ही एक ऐसे बंदे होते हैं जो कि Supreme Court के सामने कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। Next, other advocates. तीसरी कैटेगरी किसकी थी? Other advocates की। They can argue on behalf of a party but cannot file any document in court. ठीक है, Only they are, मतलब ये जो होते हैं ना, ये basically argue कर सकते हैं पर ये कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते Supreme Court में। इतनी चीज समझ में आ गई। Next, रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के काम क्या होते हैं? जैसे एज अ टीचर मेरे रोल क्या हैं? मेरे टीचर्स, एज अ टीचर अगर मैं टीचर हूं तो मेरे रोल्स हैं आप लोगों को अच्छी शिक्षा देना, आप लोगों को इतना तैयार कर देना कि आप अपने आने वाली एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, कोई भी क्वेश्चंस आए छूटे ना आपसे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? हम लेते हैं। तो ये हमारे रोल्स हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके भी कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है। तो यही रोल्स, ये जो टॉप 8 रोल्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट जी हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जी हैं, ये क्या कहते हैं, इनके रोल्स क्या क्या हैं?
इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, केसेस को सॉरी रूल्स को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट करना। और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना, वो देखना कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं, उनको ठीक तरीके से वो काम कर रहे हैं या नहीं। और ये कौन करता है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो यही कहा जाता है कि जो बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो नहीं जो हमारे संविधान होते हैं उनमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी देखरेख करने का काम कौन करता है, उसकी देखरेख करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, एज अ कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। मतलब अगर तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो तुम कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और सुप्रीम कोर्ट के आगे कहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो यही कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारा कोर्ट ऑफ अपील होता है, मतलब वो फाइनल डेस्टिनेशन होती है हमारे किसी भी लाइक पेंडिंग केस की हियरिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसका तीसरा रोल होता है एडवाइजरी रोल। देखो हम तो ये जानते हैं ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो थ्री पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर कौन सा है, लेजिस्लेटिव। दूसरा पिलर हमारा कौन सा है, एग्जीक्यूटिव। तीसरा हमारा पिलर कौन सा है, जुडिशरी। तो जो इंडियन जुडिशरी होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले लेजिस्लेटिव, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले एग्जीक्यूटिव को लीगली असिस्ट भी करती है। क्या करती है, लीगली असिस्ट करती है कि देखो लेजिस्लेटिव भैया, देखो एग्जीक्यूटिव भैया, हम आपको बता रहे हैं कि जो आप ये काम कर रहे हो ना, इसमें आप यहां पे लैक कर रहे हो, आपको ये चीज ठीक तरीके से करनी चाहिए। तो ये काम कौन करता है, ये एडवाइजरी रोल कौन प्रोवाइड करता है, तो ये एडवाइजरी रोल प्रोवाइड करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट जी, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन कौन होते हैं, आप अपने घर में खेलते हो, दिन भर बाहर खेलो, शाम को आओगे पापा की डांट पड़ेगी, मम्मी की डांट पड़ेगी, तो वो इसलिए हमारे गार्जियन है क्योंकि वो हम जो चीजें सही तरीके से नहीं करते हैं वो उसे सही तरीके से हमसे करवाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे काम जो कि हम ठीक तरीके से नहीं करते हैं उनको बेसिकली ठीक तरीके से करवाने का काम कौन करते हैं, हमारे गार्जियन। तो इसी तरीके से इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम, इंडियन एग्जीक्यूटिव सिस्टम अगर कोई काम ठीक तरीके से नहीं करता है तो उसको सही कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बताता है कि भैया देखो ऐसी ऐसी गलती है, आप इसको ठीक कर लो। तो इसीलिए इनको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटीशन। कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्यूरेटिव पिटीशन होती है। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है भैया, क्यूरेटिव पिटीशन ऐसी पिटीशन होती है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो हमसे छूट गया, कुछ तो हमसे मिस हो गया, तो उसी फैसले को दोबारा से रिव्यू करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को पुनः देख सकते हैं, पुनः रिव्यू कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन की पावर किसके पास होती है, तो क्यूरेटिव पिटीशन की पावर होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट जी के पास में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है रिट ज्यूरिस्डिक्शन। रिट ज्यूरिस्डिक्शन किसके पास में होता है, रिट ज्यूरिस्डिक्शन भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है। अब आप पूछोगे गोकुल भैया ये तो बताइए कि रिट ज्यूरिस्डिक्शन होती क्या है, तो रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऐसी चीज होती है जिसमें हम, आप या इंडिया का कोई भी सिटीजन है अगर उसकी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रही हैं, अगर जैसे हम लोग के मौलिक अधिकार है ना कि राइट टू ईट, राइट टू स्लीप, राइट टू गो एनीवेयर इन दिस कंट्री, ठीक है, तो ये अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकार, अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स स्टेट वॉयलेट कर रही है, गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म वॉयलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट ज्यूरिस्डिक्शन फाइल कर सकता है, वो उसको उसकी क्लास ले सकता है। ऐसे समझो कि देखो जैसे सपोज करो मैं गोकुल हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई आके मुझे बोल दे तुम पढ़ा नहीं सकते, ठीक है, तो वो मेरी बेसिक राइट को तो अगेंस्ट जा रहा है, मेरी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट जी के पास में कि सुप्रीम कोर्ट जी ये हमको हमारी राइट्स को लाइक फॉलो करने पे राइट्स को इम्प्लाई करने में हमारे लिए वो बन रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कौन है ऐसा जो ऐसा कर रहा है, बोलूंगा ये कर रहा है।
तो उसके अगेंस्ट वो स्टेट होना चाहिए, पर वो गवर्नमेंट का कोई एक बंदा होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में रिट ज्यूरिस्डिक्शन फाइल कर देंगे कि तुम गोकुल को अपने काम को करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंटेम्प्ट ज्यूरिस्डिक्शन। ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत अच्छा काम चीज होती है। पता है रिट ज्यूरिस्डिक्शन क्या, कंटेम्प्ट ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा ज्यूरिस्डिक्शन होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात को ना मानने से तुम्हारे अगेंस्ट रिट ज्यूरिस्डिक्शन फाइल हो जाता है। सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गोकुल तुमको 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपनी हियरिंग करनी है, तुमको आना ही है। मैंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता, मुझे तो क्लास लेनी है, तो उस केस में मेरे अगेंस्ट क्या फाइल हो जाएगा? उस केस में मेरे अगेंस्ट फाइल हो जाएगा कंटेम्प्ट ज्यूरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के लिए किसी पर्सन के अगेंस्ट जो ज्यूरिस्डिक्शन फॉलो होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंटेम्प्ट ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज देख रहा है ना कि लाइक कुछ पब्लिक्स हैं, उन लोगों ने कोई एक काम करने के लिए स्टेट को बोला था, स्टेट उस काम को ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा है, तो कुछ पब्लिक के ग्रुप ने मिल करके कोई एक फाइल कर दी केस में सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी बेसिकली हियरिंग कर सकता है। वो जो ऐसे केस, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी PIL हायर कर सकता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पे ये काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और वहाँ पे कोई केस भी नहीं लेके आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सेल्फ से एक केस जनरेट कर सकता है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी को बोलते हैं, जो कि किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो हमने रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कोर्ट ऑफ अपील, एडवाइजरी रोल होता है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यूरेटिव पिटीशन, रिट ज्यूरिस्डिक्शन, कंटेम्प्ट ज्यूरिस्डिक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने 3 कैटेगरीज ऑफ एडवोकेट्स पढ़े, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और अदर एडवोकेट्स थे। उसके पहले क्या पढ़ा, डिवाइडेड इनटू 3 लेवल, सुप्रीम कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट जो होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, 28 जनवरी 1950 को बना। रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड करता है? सेक्रेटरी जनरल करता है। असिस्ट कौन करता है? 7 रजिस्ट्रार्स एंड 21 एडिशनल रजिस्ट्रार्स। नेक्स्ट आर्टिकल 146 क्या कहता है, डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने इस वाली वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट पार्ट टू की वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए, इसको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।